इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 में नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस, आपको जो विंडोज 7 को यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें हमारा जो इंटरनेट है वही हमारा सही से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी उसमें नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पीसी या लैपटॉप ओपन कर देना है, तो मैंने पीसी को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद उसमें देख लीजिए कि हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, लेकिन उसमें नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट सही से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास इस तरह जो पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं लेकिन नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, और आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, और आपको इंटरनेट ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैंने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद उसमें एडवांस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको रिसेट का ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करके टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको वो इस तरह रिसेंट पे क्लिक कर देना है, और रिसेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वही आपका रिसेट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने रिसेट पे क्लिक कर दिया है, तो आपको इस तरह रिसेट पे क्लिक कर देना है, और उसमें कंप्लीट रिसेट हो जाएगा, तो आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलो, हमारा सही से जो इंटरनेट ऑप्शन है वही हमारा रिसेट हो रहा है, और रिसेट होने के बाद चलो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो चलो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको मैनेज वायरलेस ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, जो उसमें चेंज एडाप्टर है उसमें आपको क्लिक कर सकते हो। तो आपको कई सारे जो नेटवर्क है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे, आपका पीसी में जो भी आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया है उसका नाम है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको वायरलेस नेटवर्क के वही आपको चेक करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही आपको ऑप्शन को चेक कर देना है। तो हमारा सही से इंटरनेट पे कनेक्ट है, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो चलिए हम आ जाते हैं बैक, और बैक करने के बाद आपको सबसे पहले पीसी में चेक करना है कि हमारा वायरलेस नेटवर्क है वही हमारा कौन सा कनेक्ट है, वही आपको रिमूव करके कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट बता देता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे जो उसमें आपका कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट आपने कनेक्ट किया है वाईफाई से वही आपको नाम चेक करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा यो नाम का जो वाईफाई है वही हमने पीसी में कनेक्ट करके रखा है, लेकिन फिर भी हमारा नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यो वाला जो वाईफाई है उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको चेंज एडाप्टर वाला ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि वायरलेस कई सारे दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें यो वाला जो वाईफाई है उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमें रिमूव करना है। तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में इस तरह रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलो, मैंने रिमूव पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर से आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद आपको फिर से वाईफाई से पीसी में इंटरनेट को कनेक्ट करना है। तो चलो मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद चलो मैं वाईफाई का ऑप्शन है पीसी में वही मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करना है। तो चलो मैंने क्लिक कर दिया है जो यो वाला वाईफाई है तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो भी उसमें आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड है वही आपको टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चल, मैं फिर से जो भी हमारा वाईफाई का पासवर्ड है वही मैं उसमें टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने के बाद चल मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा कंप्यूटर में सही से इंटरनेट है वही हमारा कनेक्ट हो जाएगा।
तो चलें हम देख लेते हैं। जो मैंने पासवर्ड टाइप करके ओके पे क्लिक कर दिया है, और ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा था, वही हमारा प्रॉब्लम हट गया है। जो भी हमारा इंटरनेट है वही हमारा सक्सेसफुल कनेक्टेड हो गया है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने सभी प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, जो भी नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा था वही हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो चलो मैं पीसी में इंटरनेट को कनेक्ट करके मैंने सही से कनेक्ट किया है, लेकिन मैं फिर से ब्राउज़र को ओपन करके सर्च करके आपको बता देता हूँ कि इंटरनेट उसमें ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो मैं यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा कंप्यूटर में सही से जो इंटरनेट है वही हमारा चल रहा है, यानी कि यूट्यूब भी ओपन हो रहा है। तो गैस आपको इस तरफ पीसी या लैपटॉप में नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो गैस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।